हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टी किचन पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम अपनी किचन में एक साइड डिश बनाने जा रहे हैं जो खाने में बहुत ही जायकेदार होती है। आप इसे एक बार बनाकर रख लें तो आप इसे 1 से 2 हफ्ते तक बहुत इजीली खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। जिस तरीके से हम चटनी वगैरह सर्व करते हैं, इसी तरीके से आप इसे बनाकर रख लें और आप किसी भी खाने के साथ इसे ले सकते हैं। ये हर तरीके के खाने का जायका दुगना कर देती है। तो आइए बताते हैं इस साइड डिश को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर मैंने ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली हैं और इन्हें मैंने रफली चॉप कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के ही मैंने टमाटर लिए हैं और मैंने इन्हें भी रफली चॉप कर लिया है। भगाने के लिए मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है। ये मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं जिन्हें मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। 1 टीस्पून मैंने आमचूर पाउडर लिया है। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने नमक लिया है, ये मैं टेस्ट करके ऐड करूँगी। 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है और 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और मैंने इसमें 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल मेरा गर्म हो गया है तो मैं सबसे पहले इसमें ज़ीरा डाल दूंगी और ज़ीरा को हल्का सा तड़कने दूंगी, लाइट गोल्डन कलर का। जब ये हो जाएगा, ज़ीरा हमारा गोल्डन कलर का हो गया है, तो अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। इसे अच्छे से चला लेंगे ऑयल के अंदर और प्याज को तकरीबन 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसी तरीके से पका लेंगे। हल्की सी बुझ जानी चाहिए ये, इसे हल्का सा सोटे कर लेंगे हम। तो देखो व्यूवर्स, प्याज हमारी हल्की सी सोटे हो गई है, इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है, पिंकिश कलर की हो गई है ये। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। और इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फ्लेम को हमने मीडियम किया हुआ है, मीडियम फ्लेम पे इसे भी तकरीबन 1 मिनट प्याज के साथ सोटे कर लेंगे। प्याज के साथ टमाटर को भी हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए सोटे कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसमें सारे पाउडर मसाले ऐड कर देंगे। इसमें हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स, आमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, थोड़ा सा नमक मैं यहाँ बचा दूंगी, अगर मुझे कम लगेगा तो मैं फिर थोड़ा सा और ऐड कर दूंगी इसमें, और ग्रीन चिलीज। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये साइड डिश बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर कोई भी चीज़ आप खाने के लिए घर में नहीं है तो आप इसे सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है ये, जायके की बहुत होती है। तकरीबन 30 सेकंड हो चुके हैं हमारे मसाले को प्याज और टमाटर के साथ भूनते हुए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, तकरीबन 50 ml के करीब। इसे मिक्स कर लेंगे और इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए हम कवर करके रख देंगे, जिससे हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और ये अच्छी सी चटनी बनकर हमारी रेडी हो जाएगी। तो इसे हम कवर करके रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए व्यूवर्स, इसका टोटली पानी ड्राई हो चुका है और एकदम से ये रेडी है अब सर्व करने के लिए। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और हम इसे सर्व कर लेंगे। तो ये लीजिए व्यूवर्स, हमारी साइड डिश बनकर के एकदम से रेडी है। आप इसे एक बार बनाकर रख लें तो आप इसे 1 से 2 हफ्ते तक आराम से खा सकते हैं। आप इसे फ्रिज में रख लें। तो बनाइए इस जायकेदार रेसिपी को और पसंद आने पर लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।